वाह साहब वाह, बहुत अच्छा, जोरदार, बहुत शानदार मेला लगा हुआ है। ये धानु का कुआ जहाँ यहाँ मेला बहुत। तो नमस्कार, आप देख रहे हो गणपुर का मेला, रतनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का सबसे टॉप का मेला। इस बार बहुत ज्यादा भीड़ रही मेले के अंदर, वही दृश्य मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वैसे देखो इसके कई वीडियो मैंने बनाकर दिखाए, लेकिन एक दो वीडियो अभी भी बाकी है। जो अभी मैं आपको कार्यक्रम दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ आदर्श विद्या मंदिर धनु का कुएं के पास का कार्यक्रम दिखा रहा हूँ, जहाँ गणगौर माता आती है और वहाँ आकर के इस एरिया के जितने भी भक्तगण हैं जो गणगौर माता की पूजा अर्चना करते हैं वो आकर के गणगौर माता के दर्शन करते हैं। यहीं पर यहाँ कार्यक्रम चलता है, चंग का कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, वही दर्शन आपको कराने की मैं कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए, आप देख रहे हो गणगौर का मेला, बहुत ही शानदार दृश्य है। इस बार नगर पालिका की तरफ से ये जो कार्यक्रम रखा गया बहुत ही शानदार कार्यक्रम रखा गया, चारों तरफ भीड़ नज़र आ रही थी। यहाँ का भीड़ का भी नज़ारा मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। इस बार हमारे चेयरमैन साहब हैं अर्चना जी शर्मा के कार्यकाल में ये जो मेला लगाया गया है गणगौर का मेला, जो आप देख सकते हो बहुत ही शानदार और पूर्ण रूप से शांति पूर्वक ये कार्यक्रम रहा गणगौर का मेला। हमारे राजस्थान का सुपर डुपर मेला कह सकते हैं, सुपर डुपर मेला राजस्थान का गणगौर का मेला। इस दिन गृहणियाँ सज धज करके यहाँ इस मेले में आती हैं और खूब ही मैंने ये देखा कि बहुत ही उत्साह से गृहणी आकर के इस मेले के अंदर भाग लेती हैं। आप देख सकते हो यहाँ संगीत का कार्यक्रम, चंग का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और ये आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ भीड़ ही भीड़, यानी खूब सारे भक्त आपको मैं दिखाई दे रहे होंगे। देखिए आप वैसे गणगौर का जो मेला है यह वैवाहिक सुख और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। जो विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगती हैं और अविवाहित महिलाएं उपयुक्त पति पाने के लिए पूजा अर्चना करती हैं। देखो ऐसा ही शास्त्रों में या जहां भी हम सुनते आए हैं ऐसा ही कहा जाता है। और माँ गणगौर पार्वती माता का अंश मानते हैं और जो ईश्वर है गणगौर को मेला क्या भगवान शिव का अच्छा क्या होते हैं। अब क्या भीड़ कम है, जाते हैं बहुत मस्त लगे होते हैं, बहुत बढ़िया लगे। ठीक है, मैं एक थाना गिफ्ट दे ला रही हूँ, मेरे स्वीकार करो। जो एक छोटा सा गिफ्ट है स्वीकार करो इन्हें, और आपके जो ईश्वर जी है बन पहना दिया। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। नवल जी महर्षि को मंच पर बुलाना चाहूंगा मैं। नवल जी महर्षि मंच पे पधारे और उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमान नीलेश कुमार जिंदौरिया कंठा बनाकर नवल जी महर्षि का स्वागत करेंगे।
नंदू जी भार्गव, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा। जगदीश प्रसाद जी संगोलिया एडवोकेट साहब मंच पे बता रहे हैं, देख सकते हो आप गणगौर को, देखिए मंच पे बता रहे हैं। और गौर के दिन एक गीत बड़ा प्रचलित रहता है, गौर गौर गोमनी ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गिल्ला, गौर का सोना का टीका, टीका दे टमका दे रानी, व्रत करियो गोरा दे रानी, करता करता आस आयो वास आयो, खेरे खंडे लाडू लगायो, लाडू ले वीरा ने दियो, वीरा ले मन चुंदड़ी दिनी, चुंदड़ी ले मन सुहाग दीजो। ऐसा ये जो गीत है गणगौर का प्रसिद्ध भी है। और अब मैं आपको सिनेमा हॉल के सामने का कार्यक्रम दिखा रहा हूँ, जहाँ यहाँ जितने भी जो गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है दुपट्टा उड़ाकर। यहाँ अर्चना जी सारस्वत जो चेयरमैन साहब है वो भी आए हुए हैं, हेमंत जी भी, सारस्वत साहब भी यहाँ आए हुए हैं, और आप सामने देख सकते हो गणमान्य व्यक्ति सभी यहाँ आए हुए हैं, उनका यह सम्मान किया जा रहा है। मैं बहुत दूर से वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा हूँ, और इस प्रकार के कार्यक्रम हमेशा मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और एक निवेदन फिर करना चाहूँगा कि मैं आपको रोज़ाना एक बात कहता हूँ कि मुझे कार्यक्रम बनाना नहीं आता, मेरा कैमरा जो देखता है वही मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कैमरा जो देखता है वही मैं आपको दिखाता हूँ, और कार्यक्रम पूरा बनाकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत मुश्किल से कार्य बनते हैं, ऐसे सरल कार्य नहीं होते। तो मैं आपसे तो आस ये रखूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी भक्तों को आप ये कार्यक्रम दिखा सकते हो आप ज़रूर दिखाएं। और एक बात मैं रोज़ाना कहने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ, और आज मैं कह देता हूँ कि मेरा प्रथम उद्देश्य ये कि मैं आपको रतनगढ़ के अंदर जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जहाँ मैं पहुँच पाता हूँ वो कार्यक्रम आपको ज़रूर दिखाऊँ। देखो एक गौर करना आप, अगर हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, फतेहपुर के अंदर अगर प्रोग्राम होते हैं तो क्या आप देखते हो? नहीं देखते हो, मैं भी नहीं देखता हूँ। हमारे लोकल की जो कार्यक्रम हम देखने की कोशिश करते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं टोटल के टोटल रतनगढ़ और रतनगढ़ के आसपास के एरिया से मैं ज़्यादा जुड़ना चाहता हूँ, या जो रतनगढ़ के जो भक्त बाहर रहते हैं उन भक्तों से भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जिस मिट्टी से हम जुड़े होते हैं वहीं से हमारी आस्था बनी रहती है, और वही उसी मिट्टी के जिस मिट्टी में हम खेले होते हैं वहीं का कार्यक्रम हमें ज़्यादा पसंद आता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसी मिट्टी में पैदा हुए हो, यहाँ रतनगढ़ की धरती में आपने जन्म लिया है, आपको यहाँ के कार्यक्रम ज़्यादा देखने की आप इच्छुक रहते हो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम बनाऊं, तो आपसे निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और अधिक से अधिक मेंबर जुड़ेंगे तो मैं और कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो सामने गणगौर वापस आ चुकी हैं, गणगौर के दर्शन बहनों ने कर लिए हैं, और आज का कार्यक्रम भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो धन्यवाद, एक एपिसोड शायद एक अभी और है बाकी, वो मैं आज तो नहीं कल या परसों फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो जय माता की, गणगौर माता आपकी जो, पार्वती माता आपकी जो, शिव भगवान आपकी जो। गणगौर, गण का अर्थ है शिव और गौर का अर्थ है गौरी यानी पार्वती माता, गण का अर्थ है गौर यानी गौर, गौर यानी भगवान श्री, गण का अर्थ है गण का अर्थ है भगवान शिव जी गण है, और गौर का अर्थ है गौरी यानी माँ पार्वती, ये गणगौर का अर्थ है गणगौर। तो आज का त्यौहार बहुत ही शानदार त्यौहार, भीड़ खूब आप देख सकते हो। धन्यवाद, जय माता की, जय श्री श्याम।